वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। दोस्तों मैं हूं अभिजीत कुमार, मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर टू के बारे में। और पेपर टू में आप लोगों का दो एग्जाम होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पार्ट ए में एक सेक्शन है आपका बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उसी का एक सब सेक्शन है इंजीनियरिंग ड्रॉइंग। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का भी लेक्चर चल रहा है और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी चल रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करो क्योंकि मेरिट आपका इसी पे बनेगा। जो लोग चैनल पे नया आए हो, आप लोग क्या करो, लेक्चर नंबर 1 से देखो किसी भी प्लेलिस्ट का। सारा प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फेसबुक पेज लाइक कर लेना और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे आपस में डिस्कशन कर सकते हो। और अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, या वैसे भी जो भी वीडियो अपलोड होता है तो उसका लिंक वहां पे भी चला जाता है, तो आप लोगों को वहां से भी पता चल जाएगा। देखो ये क्लास 10 है, हम लोग बात कर रहे हैं ज्योमेट्रिक फिगर के बारे में। और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं काफी बेसिक्स से पढ़ रहे हैं, काफी डिटेल्स में पढ़ रहे हैं, काफी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ रहे हैं। आप लोग लेवल के लिए थोड़ा सा भी मत सोचो, पीछे से मॉक टेस्ट आएगा। मॉक टेस्ट 1 आ चुका है, 2 आ चुका है, उसी तरह से 3, 4, 5 करते करते काफी, मतलब आप ये सोचो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको 20 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपको 30-40 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। वो हम लोगों का काम है, काफी तेजी से डेली 1-2 करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आप लोगों को सोचना नहीं है। आप लोग बस फॉलो करते जाओ, जो बताते हैं वो समझने का कोशिश करो, कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई भी हो जाएगा, तो आप लोग खुद समझ जाओगे। देखो पहले हम लोग ट्रायंगल के बारे में बात कर लेते हैं। पिछला लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगल का कंसेप्ट सीखा था, तो ट्रायंगल पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि आप लोगों को सारा फंडा समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है और आपसे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले कि इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, तो इस ट्रायंगल का नाम क्या होगा, देखो जनरली अगर नाम पूछे ना तो कोशिश करना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने का। आप इसको ट्रायंगल एक्स वाई जेड भी कह सकते हो, आप इसको ट्रायंगल वाई एक्स जेड भी कह सकते हो, आप इसको ट्रायंगल जेड वाई एक्स भी कह सकते हो, आप इसको ट्रायंगल जेड एक्स वाई भी कह सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो। देखो ये नाम और ये नाम सेम ही, ये नाम और ये नाम, देखो जेड एक्स वाई, ये नाम सेम ही टाइप का लग रहा है बट अपोजिट है। लेकिन एग्जैक्ट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का बात हो तो आपको ABCD आता है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोशिश करेंगे आंसर लगाने का। तो अगर ये सारा आंसर सही है बट अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का बात किया जाए तो नेम ऑफ द एवर ट्रायंगल में आप बोलोगे ट्रायंगल XYZ, ये ज्यादा सूटेबल है। वैसे ये भी सही है। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो कोई सा भी ट्रायंगल ले सकते हो, ठीक है। चलो हाउ मेनी वर्टिसेस कॉर्नर द ट्रायंगल हैज, तो आप लोगों को बताए थे ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 3 वर्टिसेस बोलते हैं, 3 एंगल होता है और 2 साइड जहां पे इंटरसेक्ट करता है, मीट करता है, उसको वर्टिसेस बोलते हैं। इसको नाम कैसे दोगे, इसको नाम दोगे XYZ, और ये टोटल कितना वर्टिसेस होता है, टोटल 3 वर्टिसेस होता है, 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस को बोलते हैं शीर्ष बोलते हैं, ओके। हाउ मेनी साइड्स द ट्रायंगल हैज, अब देखो त्रिभुज के पास कितनी भुजा होती है, ट्रायंगल के पास कितना साइड होता है, तो 3 होता है। नाम क्या क्या है, एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। ये भी देखो मैंने सीरियली किया है, वाई पे खत्म हुआ वाई से स्टार्ट, जेड पे खत्म हुआ जेड से स्टार्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स वाई जेड एक्स, कुछ भी कर सकते हो, बट लिखने का एक तरीका होता है किसी भी चीज का। हाउ मेनी एंगल्स द ट्रायंगल हैज, अब एंगल कितना है, 3 है, तो इसको लिखते कैसे है, एंगल एक्स, एंगल वाई, एंगल जेड, ठीक है, 3 एंगल्स है। इसमें भी आप ऐसे लिख सकते हो एंगल एक्स वाई जेड, देखो ये वाई के बारे में बता दिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एंगल जेड वाई एक्स, दोनों का मतलब y ही है क्योंकि बीच में y है। मैंने क्लियर बताया था आप लोगों का, एंगल हमेशा मिडिल वाला होता है, तो y, तो इसी को डायरेक्ट नॉर्मल y लिखे हैं, नॉर्मल x लिखे हैं, नॉर्मल z लिखे हैं, ठीक है। तो ये है फंडा, तो ये कंसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। चलो व्हाट आर द एलिमेंट्स पार्ट्स, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में देखो पार्ट्स कितना होता है, तो इसमें काफी लोग 6 और 9 में कंफ्यूज करोगे। 6 में आप बोलोगे 3 साइड्स 3 एंगल, इसमें बोलोगे 3 साइड्स 3 एंगल 3 वर्टिसेस बोलोगे ना, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 6 होगा। इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, 6। कौन कौन,
तो थ्री साइड्स और थ्री एंगल, ओके ये होगा आपका एग्जैक्ट आंसर। ये वर्टिसेस हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं एलिमेंट में, पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं वर्टिसेस को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब क्रॉस कर दिए तो आप लोग समझोगे वर्टिसेस होता ही नहीं है। वर्टिसेस कंसीडरेशन नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता, क्योंकि देखो ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ोगे ना तो आप हम लोग मेन एंगल और साइड को लेकर के ही चलेंगे, हर जगह वर्टिसेस को लेकर के नहीं चला जाता है। बस वर्टिसेस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हाँ दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करेगा ये वर्टिसेस हुआ, दो लाइन जहां पे मीट करेगा ये वर्टिसेस हुआ, ये बस आपको पता होना चाहिए। अब देखो द टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ थर्ड एंगल। तो ये सारा इजी क्वेश्चन है, मैं जल्दी जल्दी खींचने का कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी ट्रायंगल में मान लो एक ट्रायंगल है आपका एबीसी, तो तीनों एंगल कितना हो जाएगा, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एक है आपका 60 डिग्री, एक है आपका 45 डिग्री, मान लो एंगल सी नहीं मालूम है तो ये कितना हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना। 60 और 40 105 180 में से 105 गया, 75 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। हर तरह का लेवल आएगा क्वेश्चन का, उसके लिए आप लोगों को सोचना नहीं है, जैसे जैसे क्लास आ रहा है वैसे वैसे बस आप लोग फॉलो करो, सारा लेवल आप लोगों का कवर होगा। प्रोजेक्शन व्यूज, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, सेकंड, सब कुछ आप लोगों का कवर करवाया जाएगा। अभी बहुत टाइम है, 2 महीना मिनिमम। बिलो आर थ्री ट्रायंगल्स, देखो तीन ट्रायंगल आपका नीचे दिया हुआ है, आपको फिगर देख करके बताना है। जैसे देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग शीट होता है, ड्राइंग शीट कोई इंजीनियर बनाया वो आप जाकर के किसी को दे दोगे, वहां पे कुछ नहीं होता है, सिर्फ डायमेंशन होता है और ड्रॉ किया हुआ फिगर रहता है, फिर भी वो देख करके समझ जाता है कि हाँ ये जो है सो ऐसे होगा, इतना लेंथ होगा, इतना ब्रेथ होगा, ये एंगल होगा, इतना डायमेंशन होगा, वो सारा चीज देख करके विजुअल इंप्रेशन होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग का डेफिनेशन में मैंने आप लोगों को बताया था, उसका कोई लैंग्वेज नहीं होता फिर भी सब लोग सब कुछ समझ जाते हैं। तो उसी तरह से ये फिगर देख करके आपको बताना है कि ये क्या है। तो देखो आप ये आपका देखो यहाँ पे 90 डिग्री दिख रहा है, दिख नहीं रहा मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो। तो ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब काफी लोग इसको हिंदी में बोलते हैं, तो ये होता है समकोण, समकोण इतना तो आप लोगों को आता होगा। अब ये देखो ये तीनों एंगल देखो आप 90 डिग्री से छोटा लग रहा है, तो ये क्या है, ये न्यून कोण इसको कहते हैं हिंदी में, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज आप कह सकते हो, या इसको एक्यूट ट्रायंगल कहेंगे, एक्यूट ट्रायंगल, ए सी यू टी ई ट्रायंगल, या एक्यूट एंगल ट्रायंगल और एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ओके हो गया आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट क्लियर। अब ये देखो ये आपको देख करके लग रहा है कि 90 डिग्री से बड़ा है, और हम लोग ऑब्ट्यूस में क्या पढ़े थे कि 90 डिग्री से बड़ा होता है कोई भी एंगल और 180 डिग्री से छोटा होता है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल इसलिए दे रहे हैं कि देखो क्लोज्ड फिगर है थ्री साइड्स से, तो इसलिए ये आपका ट्रायंगल हो गया ऑब्ट्यूस। इसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ओके इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, इसको बोलते हैं सम कोण त्रिभुज। ये फिगर देख करके आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पाइथागोरियन थ्योरम, आप बताओ पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है। तो ये जब मैंने आप लोगों को बताया था तो काफी लोगों ने बोला था कि सर हिंदी में लिखिए, जैसे कि आपने हाइपोटेनस बोला तो उसका हिंदी क्या होता है। तो देखो कितना हिंदी कैसे पॉसिबल है, फिर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को कि एक ट्रायंगल है पाइथागोरस प्रमेय जिसको बोलते हो, उसने क्या दिया था, ये मान लो ट्रायंगल ए बी सी है, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको एच बोलते हैं। एच क्या होता है आपका, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। अब देखो इसको बोलते हैं कर्ण, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब बताओ आधार कौन होगा और लंब कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा, तो ये आप नहीं कह सकते हो। क्यों नहीं कह सकते हो, क्योंकि पता नहीं आपको कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। मान लो कि मैंने इस एंगल का बात किया तो ये हो गया पी, पी ओके, लंब जिसको बोलते हो, परपेंडिकुलर जिसको बोलते हो,
परपेंडिकुलर, पी इंग्लिश में नहीं वाले समझ जाओगे, पी से परपेंडिकुलर और बी से बेस, इसको बोलते हैं आधार। तो जिस एंगल का बात हो रहा है सेम चीज है, मैं सेम चीज आप लोगों को ड्रॉ करके बता देता हूं। यहाँ पे ये ट्रायंगल ए है, एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो गया, एच हो गया आपका हाइपोटेनस। अब मैं इस एंगल का बात कर रहा हूं, इस एंगल का, तो इस केस में ये पी हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, मतलब ये आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, इस फिगर में मैंने लंब इसको बताया, इस फिगर में मैंने लंब इसको बताया, का क्यों बताया, क्योंकि एंगल कंसीडर कर रहे हैं, तो हमेशा एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इसने बताया था कि एच स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, इसने ये बताया था। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो यही था पाइथागोरियन थ्योरम। ओके, ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया। एच हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है, याद रखना एच हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल हैज, सेम चीज मैंने बताया था, तो काफी लोग कंफ्यूज करते हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा 6। क्या क्या, तो थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स, ठीक है, हो गया। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, देखो 30 डिग्री 45 डिग्री, तो तीसरा पूछ रहा है, तो 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस, मान लो एंगल सी है, ये आपका 180 डिग्री होना चाहिए, तो 40 30 70 और 5 75, तो एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 डिग्री, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इफ इच एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब बताओ, आपको बताए थे कि कौन सा ट्रायंगल होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको समबाहु त्रिभुज बोलते हो, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, समान भुजा, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये देखो सब साइड इक्वल है, तो सब एंगल इक्वल है, तो सब एंगल अगर इक्वल होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। तो क्या बोल रहा है कि जब सारा एंगल आपका 60 डिग्री होगा तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, तो वो होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। इफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री, सेम कंसेप्ट, एक एंगल जो है सो आपका 120 डिग्री है, ठीक है, ए बी सी, तो ये आपका क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और लेस देन 180 डिग्री होता है, तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब अधिक कोण, तो अधिक कोण है तो अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑब्ट्यूस ट्रायंगल, ठीक है, सारा फंडा समझ में आ रहा होगा। इफ एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल इज 45 डिग्री, अब बताओ आपसे पूछा जा रहा है कि इफ एन एंगल ऑफ अ राइट एंगल, एक राइट एंगल है आपका, ये राइट एंगल है, ध्यान से देखना, ये राइट एंगल है मतलब ये 90 डिग्री फिक्स हो गया, ए बी सी 90 डिग्री, आपको बोला जा रहा है कि एक एंगल है आपका 45 डिग्री, या तो इसको 45 करो या तो इसको 45 करो, जब ये 45 है तो ये भी 45 हुआ, सिंपल सा बात है, तो क्या आपको कह रहा है इट विल ऑल्सो बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो क्या यह इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, अब आप ही बताओ, ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो 60 डिग्री होना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। अ ट्रायंगल कैन हैव मोर देन वन राइट एंगल, अब बताओ क्या एक ट्रायंगल के पास 2 से ज्यादा राइट एंगल हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, क्यों, मैंने आपको बताया था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, अब आप 2 से ज्यादा कर दो, 2 एंगल को 90 डिग्री से ज्यादा कर दो, एक को 91 कर देते हैं और एक को 92 कर देते हैं, तो ये तो ऑलरेडी 182 हो गया, मुझे तीनों का सम चाहिए 180 डिग्री, तो फिर एंगल सी का वैल्यू क्या होगा, कुछ होगा ही नहीं, रॉन्ग हो जाएगा, तो अ ट्रायंगल कैन हैव मोर देन वन राइट एंगल, तो नो, इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। आगे, एन आइसो स्केल ट्रायंगल कैन बी अ राइट एंगल ऑल्सो, अब बताओ कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज, आइसो स्केल ट्रायंगल का नाम क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जो है सो आपका राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, तो जी नहीं हो सकता है या हो सकता है, ये आपको डिसाइड करना, कैसे करोगे, तो देखो एक बात बताओ, सबसे पहले मैं राइट एंगल बना देता हूँ, ये राइट एंगल है, ओके, ये 90 डिग्री है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, अब आप बताओ ये 90 डिग्री है, तो ये दो एंगल मैं 45 डिग्री एंड 45 डिग्री कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, तो इक्वल एंगल के सामने का साइड इक्वल होता है,
होता है ना। तो आप क्या देख रहे हो कि ए बी इक्वल टू बी सी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, तो ये किसका है, ये किसका प्रॉपर्टीज है, ये आइसोस्कल्स ट्रायंगल का ही तो प्रॉपर्टीज है। दो साइड इक्वल हो रहा है मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है सो आइसोस्कल्स होगा, एक समकोण त्रिभुज जो है सो समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके चलो, ए एन डैश ट्रायंगल हैज टू साइड्स इक्वल, तो टू साइड्स इक्वल जैसे ही देखोगे तो आप लोग क्या बोलोगे, आइसोस्कल्स ट्रायंगल। अ ट्रायंगल कांट हैव मोर देन, अब बताओ एक ट्रायंगल के पास किससे ज्यादा, कितने से ज्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता है। तो अभी आप लोग देखे थे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, अब मान लो यही 110 डिग्री हो गया तो दूसरा आप 90 डिग्री से ज्यादा कर सकते हो, नहीं कर सकते, कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल कभी नहीं होगा, एक से ज्यादा ऑब्ट्यूस एंगल कभी नहीं होगा, एक से ज्यादा 90 डिग्री कभी नहीं होगा, 90 डिग्री से ज्यादा को ही तो ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं ना, तो एक से ज्यादा 90 डिग्री कभी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल, अब देखो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आप पहले बताओ राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है याद रखना, एच इक्वल टू पी प्लस बी नहीं होता है और ये होता है, ठीक है। आप ऐसे देखो, ऐसे देखो, ये तीन है ये चार है तो ये क्या होगा पांच, तो तीन प्लस चार पांच हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर पांच का स्क्वायर हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, तो ये स्क्वायर के लिए कंडीशन सही है, बिना स्क्वायर के लिए कंडीशन गलत है। तो द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स, मतलब आप ये कह रहा है कि पांच जो है सो तीन प्लस चार के बराबर होगा, तो जी नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ये मान करके चलो, मैं सिंपल फंडा आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने का कोशिश करता हूं, अगर समझ में ना आए तो एक एलिमेंट्री मेथड यूज करो और उससे बनाने का कोशिश करो, 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है। देखो ये नहीं समझ में आ रहा है, एच क्या है, पी क्या है, बी क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ एक समकोण त्रिभुज होता है, तो हम लोग बार बार क्वेश्चन बनाते हैं तो देखते हैं कि तीन चार होता है तो ये पांच होता है, ये तो समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन पार्ट को कह रहा है कि दो हाइपोटेनस आपका ये है, तो बोल रहा है आपका कि हाइपोटेनस जो है सो अदर दो साइड्स के एड के बराबर होगा, तो जी नहीं होगा, चार प्लस तीन सात हो रहा है, पांच कहाँ हो रहा है, तो गलत हो गया। द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स, तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि जो पांच जो है वो तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर होगा, तो जी नहीं होगा, ये भी गलत है, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर, बोल रहा है पांच का स्क्वायर जो है वो आपका तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर होगा, तो जी हाँ होगा, ये स्टेटमेंट सही है। ओके लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो आपका ये दोनों आया, तो इसका आंसर वन भी होगा और टू भी होगा, मतलब ऑप्शन नंबर फोर में ये हो सकता था कि वन एंड टू बोथ, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से देख लेना कंसेप्ट। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल के बारे में, हम लोग बात कर लेते हैं हल्का सा, बात करेंगे क्वाड्रिलेटरल के बारे में ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा लगे, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग लगाओ कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल इसको क्या बोलते हैं, इसको चतुर्भुज भी बोलते हैं, चतुर्भुज चार भुजा जिसके पास होता है, तो कोई भी एक आप चार भुजा का बना लो, ए बी सी डी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब इसमें एक दो कंसेप्ट समझने का कोशिश करो आप लोग कि ये क्वाड्रिलेटरल है, तो देखो इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं, एक होता है काइट, आप लोग पतंग उड़ाते होगे तो देखे होगे इस तरह का शेप होता है, तो ये होता है काइट, इसको क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। ये सब कंफ्यूज मत करना क्योंकि फिगर में डायरेक्ट पूछ सकता है कि काइट, फिगर देख करके बताइए कि काइट कौन सा है। उसके बाद एक होता है पैरालेलोग्राम, पैरालेलोग्राम क्या होता है, देखो काइट है तो पतंग समझना, पैरालेलोग्राम होता है आपका, पैरालेलोग्राम मैं इस तरह से पैरालेलोग्राम, ठीक है। तो देखो पैरेलल, पैरेलल है ना यहाँ पे, तो इससे भी आप समझ सकते हो, तो पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। आप देखो ध्यान से, सारा ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ओके। तो ये हो गया आपका पैरालेलोग्राम। चलो इसके बाद है आपका
एक ट्रेपेजॉइड का आप लोग नाम सुने होगा जिसको समलंब कहते हो, समलंब। तो ये आपका इस तरह से होता है ऐसे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, समलंब, समलंब चतुर्भुज का ना पैरेललोग्राम में इसको समांतर कहते हैं हिंदी में, समांतर चतुर्भुज आप लोग ऐड कर लेना, ऐड कर लेना समलंब चतुर्भुज। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड ये इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो इसी से आगे जाओगे आप तो ये साइड देखो ध्यान से, ये दोनों तो पैरेलल है, तो एक फिगर मैं इस तरह से बनाता हूँ, इस तरह से बनाता हूँ, मतलब सेम चीज, ये और ये हमेशा पैरेलल हो रहा है, मतलब आमने सामने का कोई भी एक पेयर पैरेलल होना चाहिए, एक जोड़ा जो है वो समानांतर होना चाहिए समलंब चतुर्भुज में हमेशा। इसमें भी देखो ये और ये समानांतर है, लेकिन इसमें क्या है कि ये जो है ये और ये इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्वल नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, इसको और इसको इक्वल कर रहे हैं, मतलब ये और ये इक्वल है, तो इसी का नाम दे देंगे हम लोग आइसो स्केल्स ट्रेपेजॉइड। क्या नाम दे देंगे, आइसो स्केल्स ट्रेपेजॉइड। तो आप लोग नाम से समझ सकते हो कि आइसो स्केल्स आ गया, मतलब ये दोनों दो भुजा जो है, दो साइड जो है इक्वल होगा। आइसो स्केल्स का मतलब ही हम लोग पढ़े हैं कि दो साइड इक्वल होना चाहिए। उसी तरह से पैरालेलोग्राम में अगर आप आ जाते हो तो आपको मिलेगा रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर, है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग, अभी हम लोग का बचा हुआ है रोम्बस, रेक्टेंगल और स्क्वायर। तो पैरालेलोग्राम आपने देखा था और काइट आपने देखा था, आपने क्या देखा था कि ये आपका था काइट, ये आपका काइट था, ये आपका था पैरालेलोग्राम। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे जाते हैं रोम्बस पे जाते हैं, रोम्बस। अब ये क्या है, तो देखो ये ध्यान से देखो तो ऐसा लगेगा कि ये एक तरह का काइट ही है और एक तरह का पैरालेलोग्राम ही है, ओके। उसी तरह हम लोग जाते हैं रेक्टेंगल पे, ये सिर्फ आपको एक क्लासिफिकेशन में दे रहा हूं, नहीं समझ में आए तो भी परेशान मत होना क्योंकि आगे एक एक करके अच्छा से समझाएंगे। तो ये रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, इसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं, आयत। और रोम्बस को क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज बोलते हैं, समचतुर्भुज। ये फंडा समझ में आ गया। इसका फिगर कैसा होता है, तो आप लोग इसका फिगर इस तरह से देखियोगे, इस तरह से आप लोग इसका फिगर देखियोगे। इसमें होता कुछ नहीं है, पैरालेलोग्राम में सामने का साइड पैरेलल होता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि चारों साइड इक्वल हो। लेकिन इसमें क्या होता है, सामने का साइड तो पैरेलल होता ही है, लेकिन चारों का चारों साइड भी इक्वल होता है, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। तो यही फंडा होता है आपका पैरालेलोग्राम में और रोम्बस में। ये हो गया, इसके बाद रेक्टेंगल हो गया, उसके बाद एक आता है आपका स्क्वायर। आप लोग सुने होंगे स्क्वायर, स्क्वायर को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर और हिंदी में वर्ग, वर्ग बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगल है एक तरह का, स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल है और एक तरह का समचतुर्भुज भी है, रोम्बस भी है। तो ये सारा फंडा था आपको समझाने का, आप जस्ट डायग्राम देखो और समझो कि ये क्या है, मतलब आपको फिगर देख के समझ में आ जाना चाहिए था कि मैंने अगर ऐसे फिगर बना दिया तो आप बोलोगे कि ये पैरालेलोग्राम है। मैं आपको एकदम से चारों साइड इक्वल कर रहा हूँ, चारों साइड इक्वल करके फिगर बना रहा हूँ, आप बोलोगे ये रोम्बस है। मैं आपको इस तरह से फिगर बना रहा हूँ, आप खुद बोलोगे ये रेक्टेंगल है और मैं इसका भी चारों साइड इक्वल कर दे रहा हूँ, तो आप बोलोगे ये स्क्वायर है, ठीक है। और इस तरह से मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, इस तरह से और इस तरह से। इसमें क्या होता है कि ये साइड और ये साइड इक्वल होता है और ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, मतलब चारों साइड इक्वल नहीं होता है। पतंग उड़ाए हो गए आप लोग देखोगे, काइट इसको बोलते हैं। तो अब बताओ, ये विजुअल इम्प्रेशन है, देख करके बताओगे ये पैरालेलोग्राम है, ये रोम्बस है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है और ये काइट है, देख करके बताना है आप लोगों को, ठीक है। पैरालेलोग्राम को क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज, रोम्बस को बोलते हैं सम चतुर्भुज, रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत, स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग, काइट को काइट ही बोलते हैं या पतंग बोलते हैं, ओके। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था जिसका आंसर काफी लोगों ने किया है, बहुत ज्यादा, मोर देन 100 लोगों ने इसका आंसर किया है, जिसमें से कुछ का आंसर सही है, कुछ का आंसर गलत है। तो जिनका सही है वो भी चेक कर लेना और जिनका गलत है वो भी चेक कर लेना। मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया था और अगर फिर भी आप लोग का आंसर अगर गलत होता है तो आप लोग लेक्चर फिर से देखो, पीछे जाकर के लेक्चर नंबर 9 या 8 जो भी है, 9 का क्वेश्चन था, मतलब लेक्चर नंबर 8 आप लोग जाकर के अच्छे से देखो। देखो मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था कम्प्लीमेंट्री का और सप्लीमेंट्री का, तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़ो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब आपको
फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में बात करना है। तो टू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट नेसेसरी एडजेसेंट एंगल, तो काफी लोगों ने इसको सही बोला है और काफी लोगों ने इसको गलत बोला है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि देखो ध्यान से, ये है आपका और ये है आपका, ये है मान लो एंगल अल्फा और ये है मान लो एंगल बीटा, ओके। ये मान लो आपका 30 डिग्री है, ये मान लो आपका 60 डिग्री है। तो ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, मतलब अल्फा बीटा एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और आप क्या देख रहे हो कि अल्फा बीटा एडजेसेंट है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था कि जरूरी नहीं है कि हमेशा फिगर ऐसा ही हो। अगर मान लो एक एंगल अलग से दिया हुआ है 60 डिग्री और एक एंगल अलग से दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये एंगल है अल्फा और ये एंगल है बीटा, अलग अलग दिया हुआ, अलग अलग, अब दोनों एंगल को हम लोग सम कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि ये भी तो 90 डिग्री आ रहा है। तो इस केस में भी अल्फा एंड बीटा एक दूसरे का कम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट ही हो, कोई जरूरी नहीं है कि एडजेसेंट ही हो, अलग अलग भी दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो वो दोनों आपस में कम्प्लीमेंट्री होगा। फंडा समझने का कोशिश करो, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका, टू कम्प्लीमेंट्री एंगल आर नॉट नेसेसरी एडजेसेंट एंगल, तो ये राइट स्टेटमेंट है, मतलब ये आपका राइट स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट, ओके। चलो, द टू वर्टिकली अपोजिट एंगल कांट बी एडजेसेंट, अब आप ही बताओ टू वर्टिकली अपोजिट, किसी भी फिगर में कैसे भी फिगर ड्रॉ करो, ये हमेशा वर्टिकली अपोजिट का बात कर रहा है, तो ये तो कभी एडजेसेंट हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। तो द टू वर्टिकली अपोजिट एंगल कांट बी एडजेसेंट, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है, सिंपल सा बात है, राइट स्टेटमेंट। तो दो तरीका मैं बताता हूं एग्जाम में आंसर करने का। आप देख रहे हो कि ये दोनों राइट है, आपको फॉल्स निकालना है, तो आप इसको आंसर करोगे निकल जाओगे। आप नहीं जानते हो इसके बारे में कुछ भी, फिर भी एग्जाम में छोड़ करके नहीं आओगे, बना करके निकल जाओगे, क्योंकि आप इसके और इसके बारे में तो जानते हो ना। आप ऑप्शन नंबर 1 और 3 के बारे में अगर श्योर हो कि ये सही है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 2 गलत है, तो नहीं भी जानते हैं तो मार करके आ जाएंगे। तो ये सभी टेक्निक होता है स्कोर करने का। चलो अब हम लोग चेक कर लेते हैं, टू एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। अब बताओ सेम कंसेप्ट जो मैंने कम्प्लीमेंट्री में बताया, सेम कंसेप्ट यहां भी लगाना है। जैसे कि मान लो इस तरह से आपका कोई एंगल है, आपका कोई एंगल है, ये अल्फा है और ये बीटा है, ये 40 डिग्री है और ये 140 डिग्री है। तो आप क्या देख रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा जो है सो 180 डिग्री हो रहा है, तो अल्फा बीटा सप्लीमेंट्री है, अच्छी बात है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हमेशा ऐसा हो? ऐसा नहीं हो सकता है। ये एक एंगल अल्फा है 120 डिग्री और ये एक एंगल बीटा है 60 डिग्री, सेम कंसेप्ट, अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है 180 डिग्री। तो जब अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री हो रहा है तो ये भी तो एक दूसरे का सप्लीमेंट्री हुआ ना। तो कोई जरूरी है क्या कि हमेशा एडजेसेंट हो? नहीं। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि ऑलवेज एडजेसेंट, टू एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, तो ये गलत स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इतना ही नहीं, ये और बोल रहा है, देखो टू एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, क्यों ऑलवेज सप्लीमेंट्री, क्यों ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री नहीं हो सकता है क्या? ये अगर मैं इस एंगल का बात करूंगा, इस एंगल का, ये 30 डिग्री और ये मान लो 40 डिग्री और ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा जो है सो आपका 70 डिग्री है, तो ये एडजेसेंट नहीं है क्या? कम्प्लीमेंट्री नहीं है बट एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, पहले आप लोग एडजेसेंट का डेफिनेशन तो जानो। एडजेसेंट का मतलब होता है कि दो एंगल जो है, ये एंगल आप देखो ध्यान से, मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, ठीक है, और डी। तो आप ए बी सी एंगल देखो, ए बी सी एंगल देखो और सी बी डी एंगल देखो, क्या दोनों एंगल में एक साइड कॉमन नहीं है? है, एक साइड बी सी कॉमन है, दोनों एंगल का वर्टिसेस कॉमन नहीं है? है। तो एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन क्या था कि एडजेसेंट एंगल में हमेशा एक कॉमन साइड होता है और एक कॉमन वर्टिसेस होता है। देखो आप इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, एडजेसेंट एंगल ये क्यों है एडजेसेंट एंगल, क्योंकि एक कॉमन साइड है और एक कॉमन वर्टिसेस है। ये क्यों है एडजेसेंट एंगल, क्योंकि एक कॉमन वर्टिसेस है और एक कॉमन साइड है, ठीक है, इसलिए ये सब एडजेसेंट एंगल है। लेकिन मैंने इसमें एडजेसेंट बोला है? नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉमन साइड भी नहीं है और कोई कॉमन वर्टिसेस नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, बट ये कम्प्लीमेंट्री तो है ना। उसी तरह से ये एडजेसेंट है, ये एडजेसेंट नहीं है, बट ये सप्लीमेंट्री तो है। तो ये फंडा समझने का कोशिश करो कि कोई जरूरी नहीं है कि सारा एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री ही होगा या कम्प्लीमेंट्री ही होगा। ये तो एडजेसेंट है बट ये ना तो सप्लीमेंट्री है ना तो कम्प्लीमेंट्री है,
तो ये फंडा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर आपका हो जाएगा, चूंकि हम लोगों को फॉल्स स्टेटमेंट बताना था तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। टू एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, ये रॉन्ग है। टू एडजेसेंट एंगल आर ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री, ये भी रॉन्ग है। टू एडजेसेंट एंगल का कोई जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री ही हो या वो 180 डिग्री हो, ही कुछ भी हो सकता है, बस कॉमन वर्टिसेस होना चाहिए और कॉमन साइड्स होना चाहिए दोनों एंगल के बीच में। तो जिसका भी ओनली टू है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो, आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर है, इसी तरह से फॉलो करो। और जो लोग गलत किए हो, आप लोग लेक्चर नंबर 8 को जाकर के समझो कि क्या है एडजेसेंट, क्या है कम्प्लीमेंट्री, क्या है सप्लीमेंट्री, ठीक है। मैं एक ही लेक्चर में आपका क्वाड्रिलेटर का, रेक्टेंगल, आपका स्क्वायर, काइट, रोम्बस, ट्रेपिजिडियम सब कवर करूंगा, तो एक जगह पे रहेगा तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। अगर दो यहाँ पे बताएंगे, दो वहां पे बताएंगे तो मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन एक चीज फिलहाल आप लोग ये समझ जाओ, आप लोग इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल जानते होंगे, आप लोगों ने ये सुना होगा इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो देखो, कोई भी अगर आप फिगर बनाओगे ना, कोई भी फिगर बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे, क्वाड्रिलेटरल बनाओगे, पेंटागोन बनाओगे या हेक्सागोन बनाओगे, आप कोई भी फिगर बनाओगे इस तरह से मान लो, तो इंटीरियर एंगल क्या होता है और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। देखो, ये है इंटीरियर एंगल, सारे क्लोज फिगर का मैं बात कर रहा हूँ, ये है इंटीरियर एंगल। तो एग्जाम में डायरेक्ट एक क्वेश्चन आएगा और 100% आएगा, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है कि किसी भी फिगर का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, सम कितना होता है। तो देखो, सम जो होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, ये होता है आपका सम ऑफ इंटीरियर एंगल या इंटरनल एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, ठीक है, ऑफ एनी पॉलीगन। अब पॉलीगन क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे, पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज, बहुभुज होता है। तो देखो, अब इसको याद कैसे रखोगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको याद कैसे रखोगे। तो देखो, याद करने का मैं आसान तरीका बताता हूँ। आप लोग को ये नहीं पता है कि इसका इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, आपको ये नहीं पता इसका इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, आपको ये नहीं पता इसका इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, लेकिन आपको ये तो पता है कि इसका इंटरनल एंगल का सम कितना होगा, ये तो आपको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, तो 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी को इस लैंग्वेज में लिखने का कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इसी को इस लैंग्वेज में लिखने का कोशिश कर रहे हैं। कैसे लिखेंगे, मुझे तो ये पता है कि 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री इंटू वन, ध्यान देखना 180 डिग्री इंटू वन की है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, आपको ये भी पता है कि ट्रायंगल में तीन साइड होता है, आपको ये भी पता है कि ट्रायंगल में तीन साइड होता है, ये तो पता है आपको, तो वन कैसे आएगा, तीन साइड आपको पता है कि ट्रायंगल में होता है तो वन कैसे आएगा, तो माइनस दो करेंगे तो वन आएगा, है ना। ये फंडा समझो, याद करने का तरीका, एक बार अगर समझ जाओगे तो लाइफ में आप कोई सा भी पॉलीगन का आपसे इंटरनल एंगल का सम पूछेगा तो आप फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा आपको तो आप फॉर्मूला निकाल लोगे, यही मैं बता रहा हूं। आप ऐसे कर दोगे, तीन साइड होता है ये आपको पता है, आप वन कैसे लाओगे, तो माइनस टू करेंगे इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रायंगल के लिए, ये हो गया आपका ट्रायंगल के लिए, तो यही चीज है ना, पॉलीगन, पॉलीगन जब ट्रायंगल था तो तीन किए, अगर आपका क्वाड्रिलेटरल रहता, क्वाड्रिलेटरल रहता तब क्या करते आप, चार करते, तब क्या करते, चार करते, ध्यान देना। अगर आपका पेंटागोन होता, पेंटागोन होता तब आप क्या करते, पांच करते, यही चीज करते ना। इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि साइड, नंबर ऑफ साइड को ये रिप्रेजेंट करता है, ये किसी भी पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी जगह हम लोग एन लिख देंगे, तो एन माइनस टू इंटू 180 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, तो इसको आप लोग अच्छे से, एकदम से अच्छे से याद कर लेना, समझ के अगर आप करोगे तो देखना आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और पूरा का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। उसी तरह से एक होता है सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अब बताओ सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालोगे, लिखो आप लोग, हेडिंग लगा लो सम ऑफ। देखो, आप लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग तो सीख ही रहे हो, इसके बहाने आप लोगों का मैथ्स भी स्ट्रांग हो रहा है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल।
अब ये क्या होता है, तो एक चीज मुझे आप बताओ, मान लो कि मैं एक एंगल इस तरह से ट्रायंगल बना देता हूँ। सबसे पहले तो आप ये जान जाओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है कोई सा भी एंगल रहेगा तो वो उसका सम एक्सटीरियर एंगल का हमेशा आपका 360 डिग्री होगा। अब मैं बताता हूं कैसे, तो आप बताओ खुद, मान लो इसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। देखो जो जो चीज होता है ना वो सबके लिए सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर कोई इक्वेशन है मान लो आपका एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, तो x अगर 1 है तो y 5 हो रहा है, x अगर 2 है तो y 4 हो रहा है, x अगर 3 है तो y 3 हो रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई करना है इसको कैसे भी करके। ओके उसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं, हम समझने के लिए मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि अगर ये मानोगे तो आप एंगल आपको पता चल जाएगा। तो ये 60, ये 60, ये 60, अब बताओ आप ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, तो इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, तो ये होगा। ठीक है, इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, तो ये होगा। इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, इसका एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, तो ये होगा। मतलब इस 60 डिग्री का ये होगा, इस 60 डिग्री का ये होगा, और इस 60 डिग्री का ये होगा। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री, ये 60 डिग्री है 120 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये 120 डिग्री। तो आप क्या देख रहे हो कि थीटा वन, अगर मैं इसको थीटा वन बोलू, इसको थीटा टू बोलू, और इसको थीटा थ्री बोलू, तो आप क्या देख रहे हो कि थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री इक्वल टू कितना है आपका 360 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, इसका आप नोट डाउन करो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से अच्छे से बता दूंगा कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन, ऑफ एनी पॉलीगन इक्वल टू 360 डिग्री। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो इस फंडा को आप लोग समझ जाना। चलो अच्छा लगा होगा लेक्चर तो कमेंट करके बताना, और आप लोग फॉलो करते रहो, धीरे धीरे लेवल तक लेकर के आप लोगों को चले जाएंगे। पहले आप लोग बेसिक को अच्छे से स्ट्रांग करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से एग्जाम का तैयारी करो, मन से पढ़ो। थैंक यू।